यहाँ पर लोकदल के लोगों से डर करके भाग गया और मेरे को ही चार्ज दे गया। आप ही उस टाइम पे सुखाड़िया का कार्यकाल जो था वो सब नरेंद्र मोदी की बीजेपी पार्टी है, वो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता है। पानी पिया ये और पालतरा पानी पिया, उस पालतरे पता नहीं कहाँ से आगे वहाँ पड़े हुए। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश कुमार सिन्हा। दोस्तों आप देख रहे हैं राज न्यूज केडियल। दोस्तों आज मैं पहुंचा हूं खंडेला विधानसभा क्षेत्र के केहरपुरा गांव में, और यहां पहुंचने की खास वजह कि मेरे पास में आप एक दादाजी देखेंगे जिनकी 96 साल की उम्र है। कहीं ना कहीं दादाजी हैं जो आज इस उम्र में भी जो न्यूज पेपर आता है बिना चश्मे के पढ़ लेते हैं, और आज भी अपने खुद ही अपने जो भी नित्य कार्य हैं वो संपूर्ण करते हैं। आज जानेंगे आखिर कैसे इस उम्र में भी अखबार पढ़ लेते हैं और कैसे अपने संपूर्ण कार्य कर लेते हैं। कौन से गांव के हो? मेरा नाम लक्ष्मी चंद अनंत है और मैं अब तो यहीं का वासी हो गया, और जन्म मेरा है गंगानगर जिले का एक समेता गांव था, वहां का जन्म है मेरा। दादाजी कितने साल के हो गए और इस उम्र में भी आप न्यूज़पेपर पढ़ लेते हो? हाँ बिल्कुल, मैं पढ़ लेता हूँ साहब। ये पंचांग के अक्षर बिल्कुल बारीक हैं, इनको भी मैं बिल्कुल देखता हूँ और आए गए का वो बता देता हूँ, बार तिथ वगैरह और कोई। तो दादाजी इस उम्र में कैसे आप पढ़ लेते हो, कैसे ये बारीक अक्षर है? आँख कमजोर नहीं हुई आपकी? आँख तो कम, उस लेंस के कारण से मैं पढ़ लेता हूँ, और दाई आँख में भी उस आँख से दिखाई देता है मेरे को। और दादाजी एजुकेशन की बात करें, कहाँ तक पढ़े लिखे हो आप? और शिक्षा विभाग में ही रहा शुरू में, और पहले तो अध्यापक रहा, सहायक अध्यापक गंगानगर में सहायक अध्यापक ही रहा, और यहाँ आने के बाद में कोटड़ी हेडमास्टर बन गया। 10 साल कोटड़ी हेडमास्टर रहा, उसके बाद में मेरा फर्स्ट ग्रेड में प्रमोशन हो गया, तो फर्स्ट ग्रेड का SDI बनाया मेरे को, और SDI बना करके मेरे को पहले तो लक्ष्मणगढ़ लगाया, 12 महीना तो मैं लक्ष्मणगढ़ रहा, उसके बाद में महादेव सिंह जी ने ट्रांसफर मेरा करवा लिया खंडेला, और खंडेला खंडेला ही रहा मैं काफ़ी वर्ष तक। पहले तो SDI रहा, और उसके बाद में एक विकास अधिकारी आया था गंगानगर का, वो यहाँ पर लोकदल के लोगों से डर करके भाग गया और मेरे को ही चार्ज दे गया। आप ही उस टाइम पे थे चार्ज? हाँ, पूरा मैं उस टाइम वहीं था मैं, और उसके बाद में मैं 12 महीना ऐसे विकास अधिकारी रहा, उसका दिन तो रहा, उसके बाद में मेरा ट्रांसफर उदय प्रभाटी हो गया, और उदय प्रभाटी से मैं रिटायरमेंट 89 में रिटायरमेंट हो गया। 89 में रिटायरमेंट होने के बाद में मैं घर पर ही बैठा हूँ। तो परिवार में कौन कौन है? आप भी, आपके बच्चे भी पढ़े हुए हैं क्या? मेरा बच्चा एक तो ये बैठा आपके पास में ही, ये अच्छा जो है वो अध्यापक है झुंझुनू जिले में था पहले, तो अब सीकर जिले में ट्रांसफर हो गया उसका, और उसने मकान अलग बना लिया खेत में, वो खेत में ही रहते हैं साहब। और दादाजी प्रधानमंत्री कौन है भारत का? भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। आपने कौन कौन से मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल देखा है? सबसे अच्छा कार्यकाल किसका था? सुखाड़िया का कार्यकाल जो था वो सबसे बढ़िया कार्यकाल था। सुखाड़िया पहले मुख्यमंत्री रहा यहाँ पर, उसके बाद में उसको राज्यपाल बना करके और भेज दिया गया, इसलिए उसके बाद में तो कई मुख्यमंत्री आए। हीरा लाल शास्त्री मुख्यमंत्री रहा हुआ था राजस्थान, जब बनता है तो मुख्यमंत्री हरलाल जी थे। दादाजी नरेंद्र मोदी जी कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? नरेंद्र मोदी जी भाई बीजेपी पार्टी है साहब। और अशोक गहलोत कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? वो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता है। पेंशनधारियों की मीटिंग होती है खंडेला में, हाँ, तो आप वहाँ पहुँचते हो, क्या मुद्दे रहते हैं आपके? मुद्दे तो यही है कि समाज सुधार के बारे में कार्य करो, और एक पर्यावरण जो है ना इसके लिए कम एक पौधा तो एक अध्यापक लगाए ही। रिटायरमेंट हुआ अध्यापक भी हैं उसमें, पटवारी भी है और ग्राम सेवक भी है उसमें, वो मीटिंग होती है 10 तारीख को। और दादाजी आपके कार्यकाल में कोई ऐसी बात जो आपको अभी भी याद आती होगी तो आप हंसते होंगे, कोई ऐसी बात हुई आज तक? मैं बिश्नोइयों के गांव में रहा, वहां पर वो बिश्नोइयों की गांव मेरे को खूब याद आता है साहब।
बिश्नोई जो होते हैं होते हैं वो जाटों के बने हुए हैं, उनके 20 और 9 ये नियम हैं, 20 और 9 29 नियम हैं उनके, कि पहले जनता पड़ी हुई नहीं थी इसलिए उनका नाम रख दिया बिश्नोई। 20 और 9 उनके नियम हैं, ये नियम उनके लिए बहुत बढ़िया कारगर हैं साहब। आसपास के लोगों ने काफी बार कहा है कि आसपास में बात करें तो खंडला तहसील में शायद दादाजी से कोई ज्यादा उम्र का नहीं होगा और जो न्यूज़पेपर भी पढ़ता हो, आज भी इनके घर पे न्यूज़पेपर आता है और दादाजी सबसे पहले पढ़ते हैं। दादाजी कभी ऐसा भी हुआ है कि आपने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा हो? नहीं, न्यूज़पेपर तो मैं सब हमेशा से पढ़ता ही रहता हूँ, मेरे घर पर न्यूज़पेपर आता रहता है, ये करता हूँ कभी भी। तो आप जब ड्यूटी पे जाते थे तो कौन से वाहन से जाते थे? ड्यूटी पर जाता तो साइकिल थी मेरे पास में, और साइकिल से चला जाता था साहब, और साइकिल से ही मैंने निरीक्षण किया कई गांवों का, स्कूलों का और का, तो साइकिल ही मेरा पैर था। वो साइकिल पुरानी हो गई, वो पड़ी हुई है साल के अभी भी? हाँ अभी पड़ी है। अब क्या करो, उसको बेच दो आप? अब तो उसको बेचना ही है, छोड़े कह रहे हैं ये बड़े मेरे पोते कह रहते हैं, कहते हैं कि इनको इसको बेच दो और नई साइकिल दे दो हमें, मैंने कहा भी दे देंगे इनको, याददाश्त के लिए रख रखी है। हाँ वो ये ऐसे ही पड़ी है कबाड़ खाने में, ऐसे पड़ी है साहब साल में। दादाजी आपका जन्म कौन सी साल में हुआ था? 28 को। 28 को हुआ था, उस टाइम पे किन का राज था और कैसी स्थिति थी उस टाइम पे? बीकानेर स्टेट में मेरा जन्म हुआ, तो बीकानेर राजा का राज था और दिल्ली में शासन था अंग्रेजों का। अच्छा। वाइस राय वहाँ पर रहता था और वाइस राय के अंडर में ही राजा लोग बाग थे, काम करते थे। आपका स्वास्थ्य का क्या राज है? मेरा स्वास्थ्य तो खास कारण ये है कि मैंने बचपन के अंदर नहर का पानी पिया ये और पालतरा पानी पिया, उस पालतरे पानी से और नहर के पानी से ही, नहर में भी पालतरा पानी आया करता था, ये डैम बने हुए थे उधर हिमालय पहाड़ के अंदर, तो उनका पानी आता था नहरों में, और मैं गंगानगर जिले में मेरा जन्म था तो वहीं मैं 18-20 साल का हुआ, तो फिर उसके बाद में मेरा तो ट्रांसफर होता था नगर के गंगानगर जिला। वहाँ पे कौन कौन सी खेती करते थे आपके परिवार वाले? परिवार वाले तो ये जो है गेहूँ है चना है इसकी खेती करते थे परिवार वाले। तो वहाँ का वातावरण सही था यहाँ का वातावरण? वातावरण तो वहाँ का ठीक था, यहाँ का तो वातावरण गलत है, यहाँ का वातावरण गलत है साहब। एजुकेशन में बात करें तो आज सेकावाटी काफी आगे है। हाँ आगे है ये तो, और वो क्षेत्र तो पिछड़ा हुआ है वैसे शिक्षा शिक्षा के हिसाब से पिछड़ा हुआ है। हाँ। आप ही पता नहीं कहाँ से आगे वहाँ पढ़े हुए। मैं तो बचपन में पढ़ना शुरू कर दिया था और चौथी पास के पहले प्राइमरी स्कूल हुआ करते थे और चौथी पास ही हुआ करते थे, तो वो डिप्टी साहब परीक्षा दिया करते थे हमारे गंगानगर जिले से आते थे, तो ऊँट लड्डा था उनके पास में और चपड़ा से रखा हुआ था, वो ऊँट लड्डे को हाँकता था और वो बैठ करके और बाकायदा पेपर लिखाते थे, और प्राइमरी स्कूल के अंदर मैं चौथी पास करते ही वो डिप्टी साहब मेरे से कहने लगे तेरे को अध्यापक लगा दूंगा मेरे साथ चल, लेकिन घर वालों ने इनकार कर दिया, ये रोटी पुआएंगे और कुछ काम नहीं करेंगे, कौन सा अध्यापक लगाएंगे। फिर हाँ। तो आपके गांव में कोई और भी अध्यापक थे या आप ही थे? वहाँ पर अध्यापक तो नहीं थे, अध्यापक तो नहीं थे गाँव में, तो खाली मैं अकेला ही अध्यापक बना था साहब। अब क्या गंगानगर की याद नहीं आती क्या? गंगानगर की याद खूब आती है मेरे को, तो मैं कई बार जा भी आया हूँ पिछले दिनों में, कई साल कई बार जाया है मैं गंगानगर में और वहाँ लोग बागों से मिल कर के भी आया, लेकिन अब तो मेरा स्वास्थ्य खराब है अलाउ नहीं करता, इसलिए मैं अब जा नहीं सकता, मन में तो खूब आती है बहुत। परिवार वाले मैं तो और बाकी के परिवार वाले सब कोई जयपुर आ गया कोई गाँव आ गया, यहाँ पर अस्त व्यस्त हो गए परिवार वाले, बिखर गया परिवार। हाँ परिवार बिखर गया साहब। दादाजी जब आप समझदार थे युवा थे उस टाइम पे संयुक्त परिवार में लोग रहते थे, आज एकल परिवार में रहते हैं, कैसे देखते हो? हाँ संयुक्त परिवार था पहले, संयुक्त परिवार के अंदर रहते थे और कोई अड़चन भी नहीं थी,
वो सब बड़े प्रेम से और मेल जोल से रहा करते थे साहब। इनसे भी जानना चाहेंगे, दादाजी से आप कब मिले थे? दादाजी से हमें 25 साल हो गए मिलते हुए, हम रहने वाले तो दूर के हैं लेकिन इनसे हमें इतना प्यार मिला कि एक परिवार के जो मुखिया होते हैं वो भी इतना प्यार नहीं देते हमें। जैसे ये सुबह उठते हैं, नित्य कर्म पे निकल जाते हैं घूमने के लिए, घूमते फिरते हैं, स्वस्थ रहते हैं। वो दूध कौन सा पीते हो, चाय कितनी बार पीते हो? तो चाय तो मैं दिन में 2 बार पी लेता हूँ, एक तो सुबह उठते ही और एक शाम को, अभी जो आई है इसी टाइम में 2 बार चाय पीता हूँ। और खाता तो मैं साधारण रोटी ही खाता हूँ, अब मेरे दांत वांत टूट गए इसलिए मैं रोटी को सुराई हुई रोटी लेकर के, और वो दाल में वो कोई सब्जी में जोरदार सब्जी होती है उसके अंदर मिला मिलू के खाता हूँ। और कोई खास डाइट नहीं है आपकी? खास डाइट नहीं, बिल्कुल ही नहीं है साहब। परिवार में पोते की बहू भी है, बेटे की बहू भी है और पड़पोते भी हैं आपके? हाँ, मेरे पड़पोते तो हैं लेकिन वो शादी से नहीं हुई, उनकी पोतों की शादी होगी। ये महिपाल मेरा पोता ही है। तो ये पोते की बहू ही है क्या? हाँ, पोते की बहू है ये। ख्याल रखते हैं क्या? हैं? ध्यान रखते हैं क्या पूरा? हाँ, ये पूरा ध्यान रखती है। और ये बेटे की बहू है, ये बेटा की बहू तो बोलते नहीं है, ये पोते की बहू बोलती है। मैंने इनको कह दिया कि मैं बूढ़ा हो गया अभी, अब मेरे घर की समस्या कोई हो तो वो बोला कर। आप पोते की बहू है? दादाजी कितने साल के हो गए? 96 साल के। अक्सर जब बूढ़े दादाजी हो जाते हैं तो वो परेशान ज्यादा करते हैं, दादाजी भी करते हैं? नहीं करते बिल्कुल भी नहीं। आपको इस परिवार में आए हुए कितने साल हो गए? 16 साल हो गए कल से। तो दादाजी जैसे बात करें, पोते की बहू ज्यादा ध्यान रखती है या फिर बेटे की बहू? पोते की बहू ज्यादा ध्यान रखे थे, बेटे की बहू तो बोलते तो आज को नहीं मारते, ध्यान तो आप भी रखे थे। अच्छा। लेकिन पोते की बहू ज्यादा ध्यान रखती है। बात होगी कि ब्याज सू मूल सू ज्यादा ब्याज प्यारो। बात तो यही है साहब। पढ़ हैं आपके ही गांव के हैं, इस उम्र में भी न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, अपने नित्य कार्य करते हैं, क्या राज है इनका? इनका एक तो ये क्या है, शुरू से ही टहलते थे, मतलब खंडेला जाते थे, पैदल जाते थे स्टैंड तक, फिर खंडेला डेली इनका अप डाउन रहता था। अभी कोरोना में तबीयत खराब होने के बाद में मतलब घर पे रहने लगे हैं, वरना हर दिन खंडेला जाते थे प्रति दिवस। अपने यहाँ पास में कुआ है तो वहाँ पे कुएं पे भी सुबह शाम टहलने के लिए जाते थे। और इनकी मतलब दिनचर्या थी वो एकदम बिल्कुल सही थी, अपने शरीर पे पूरा। आपके गांव के सबसे वृद्ध व्यक्ति हैं, कैसे आप इनको आदर्श मानते हो? हमारे गांव में सबसे वृद्ध व्यक्ति भी हैं और सबसे ज़्यादा ये बोले तो भाई पढ़े लिखे भी, एजुकेशन लाइन में भी बढ़िया अधिकारी रहे थे। उनके बाद में भी जैसे हम स्कूल में हूँ, मैं काम करता हूँ तो स्कूल में भी छोटी मोटी चीज़ें भी, हम छोटा सा प्रोग्राम भी करते हैं तो इनको बुलाते हैं, हमारे मतलब प्रेरणा स्रोत हैं एक तरह से, सब बच्चों के लिए आदर्श हैं, उसके लिए हम मोटिवेट भी करते हैं। इस उम्र में भी हमारे मतलब हर स्कूल में भी पढ़ाने के, बच्चों को पढ़ाने के भी लग जाते हैं। अक्सर इस उम्र में आके पहचानना बंद हो जाता है, अब तो शायद आपको पहचानते भी? बिल्कुल सबको पहचानते, मेरे को ही नहीं मतलब जैसे सबको, जो भी आदमी जिनसे भी मिल ली एक बार तो उनको भी सबकी पहचान है इनको, ऐसे नहीं है कि हाँ भाई भूल गए या फिर ज़्यादा दिन हो गए तो पहचानना नहीं रहे। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय, अगर आपके आसपास भी कोई 96 साल से ज़्यादा उम्र का कोई दादाजी हैं तो आप हमें ज़रूर बताएं, हमारी टीम आपके दादाजी के पास भी पहुँचेगी। मेरी उम्र से ज़्यादा उनसे आस पास में तो सफाई डाली में एक आदमी